व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? मैं हूँ कायना, जैसे और आज आपको अपने चैनल में फिर से वेलकम करती हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। व्यूअर्स, आज मैं आपको जिस रेमेडी के बारे में बताने लगी वो बहुत ख़ास है। वो ये कि हम चावलों का जो पानी, जब हम चावल बॉयल करते हैं, चावल वगैरह बनाते हैं, तो उनका पानी जो है हम वेस्ट कर देते हैं, बल्कि इसमें बहुत से हुसन के राज छुपे हैं। और जानिए इसका राज, चावल का पानी मत खाएंगे, इसके आज मैं आपको फवायद बताऊंगी जी। व्यूअर्स, चावल से बिरयानी का तस्वीर जहन में ना आए तो ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन आज ब्यूटी कॉर्नर खवातीन के लिए लाया है चावल के पानी के ऐसे बेहतरीन नुस्खे जिनको जानकर आप चावल का भीगा हुआ पानी हरगिज़ नहीं फेंकेंगी, क्योंकि आपके हुसन में करता है इजाफा, रंग गोरा, कीलमासों का खात्मा और भी बहुत कुछ जी। इसके फवायद तो आप जानकर हैरान ही रह जाएंगे। वो ये कि चावल का पानी आपके चेहरे की ऐसी क्लिनजिंग करता है जो आपको सैलून में भी नहीं मिल सकती, इसलिए पकाने से पहले ज़रा सा चावल का भीगा पानी चेहरे पर लगा लें और खाना पकने के बाद मुंह धो लें। लीजिए, खाने भी तैयार और चेहरा भी जवान। इसका रोज़ाना अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो आपकी ढीली ढाली लटकी हुई तमाम जल्द का भी खात्मा बसानी से और सस्ते पैसों में हो जाएगा। और अगर आप कि या आपके बच्चों की जिल्द पर दाने, कील मुहासे हो गए हैं, सोजिश हो रही है, तो चावल का ये पानी आप अपने साथ साथ इनके भी चेहरों पर लगा दें। इसके फायदे से दाने, कील मुहासों और दानों के बाद सोजिश, तमाम तकलीफ़ों की छुट्टी हो जाएगी जी। व्यूअर्स, इसके अलावा बालों को धोने के लिए भी चावल के पानी का इस्तेमाल कर लें, फिर देखें क्या चमकदार बाल हो जाएंगे। और कंडीशनिंग भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आप बाल धोते वक्त पहले चावल के पानी को बालों में लगा कर मालिश करें, आप सादा पानी से धो लें, देखें बाल से साफ भी होंगे और कंडीशनर भी लग गया। उसके अलावा देखिए इसके क्या फ़ायदे हैं। सूरज की गर्मी से चेहरे या जिस की रंगत में कालापन आ गया हो या किसी और वजह से, तो आपके लिए ये चावल का भीगापन पानी महंगा सीरम साबित होगा। हो सकता है आप इस पानी से मुंह या जिल्द को धोना मामूल बना लें, फिर आप खुद अपने आप में वाजिया फ़र्क देखेंगे और एक सीधा साधा क्लिनजिंग भी आपको मिल गया। और आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए टेक केयर।